भारत पर हमला करने वाले आतंकियों को कौन मार रहा है? भारत छिपे आतंकियों का एक एक कर हो रहा है सफाया। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आतंकी भी पाकिस्तान में मारा गया। पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया हो रहा है। कोई तो है जो पाकिस्तान से आतंक का निपटारा कर रहा है। वो जो कोई भी है भारत के दुश्मनों को बखूबी निपटा रहा है और भारतीय खुफिया एजेंसियों की लिस्ट में वो वांटेड भी हैं। अब पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन की मौत हो गई है। लश्कर ए तैयबा के पूर्व कमांडर अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अकरम भारत के खिलाफ जहर उगलता था। वो 2018 से 2020 तक लश्कर में भर्ती का काम देखता था। अकरम गाजी की पाकिस्तान के बाजौर में अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। अकरम लश्कर के टॉप कमांडर में रहा है। अब लंबे वक्त से आतंकी गतिविधियों में शामिल था। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरह से आतंकियों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले मुफ्ती कैसर फारूक, खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवट, एजाज अहमद अहंगर, बशीर अहमद पीर जैसे तमाम आतंकियों को भी अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। पाकिस्तान में लगातार हो रही हत्याओं ने आतंकियों की नींद उड़ा दी है। पिछले महीने पाकिस्तान में भारत के एक और मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की हत्या कर दी गई थी। अज्ञात हमलावरों ने लतीफ की सियालकोट में गोली मारकर हत्या की थी। लतीफ 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। वो स्टेशन पर हमला करने वाले चार आतंकियों को पाकिस्तान से बैठकर निर्देश दे रहा था। बता दे, पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त आतंकियों के बुरे दिन चल रहे हैं। इस तरह के हमलों में पाकिस्तान के कई आतंकियों ने जहन्नुम का मुंह देख लिया है। रिपोर्ट्स के माने तो बीते 20 महीने में वहां कुल 18 भारत विरोधी आतंकियों की अलग अलग घटनाओं में मौत हो चुकी है और ये संख्या अब भी लगातार बढ़ रही है। बीते महीने ही दाऊद मलिक नाम के आतंकी को उत्तरी वजीरिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी थी। दाऊद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का काफी भरोसेमंद साथी माना जाता था। दाऊद का मरना भी पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के लिए झटका था। हालांकि जिस ढंग से इन आतंकियों का निपटारा हो रहा है वो काफी रोचक है। आलम यह है कि इन आतंकियों को अपने घर में भी डर लग रहा है। लेकिन हर बीतते दिन के साथ भारत विरोधी आतंकियों का निपटारा भी तेजी से हो रहा है। हालांकि इसके पीछे कौन है इसका खुलासा नहीं हुआ है अब तक और न ही इसे लेकर कोई जानकारी है। बस इतना कि वो भारत विरोधी थे और अब मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।